आज किचन पूरी तरह से रेडी हो गया है. कल 90% रेडी हो गया था अपनी, लेकिन आज ये सेक्शन भी पूरा रेडी हो गया. बस अभी एक डीप क्लीनिंग हमें करनी है. ऑब्वियसली बिकॉज काम चल रहा होता है तो बहुत ज्यादा डस्टी हो जाता है. एंड ये है मेरा किचन. हमने बाकी काफी चीजें क्लियर अप की, सफाई की, इतनी सारी चीजें हो जाती ना घर पे करने के लिए. तो मैंने शाम को थोड़ी देर आराम किया. मैं लेट मैं उठी हूँ, किचन करूंगी सेट. आ जाएंगे टनल चाहिए तो ये हमने वैसा बनाया है. तो इसलिए यहाँ पे ये स्ट्रिप लाइट्स भी है और वो ऊपर इतना वाइट वाइट है ना कि ऐसे हो रहा है. ऊपर भी लाइट्स हैं तो आप जब फोटोग्राफी कर रहे हो तो यू कैन जस्ट हैव योर स्ट्रिप लाइट्स ऑन. रूहान के पापा का वार्डरोब होने वाला है क्योंकि उनके कपड़े आप सबको पता है. तो इसलिए ये पूरी तरीके से उनका वार्डरोब होने वाला है. वहाँ पे जो जो हमारे रूम में वार्डरोब्स हैं वो दो होंगे. एक यूनिट आएगा जहाँ पे ट्रॉफीज वगैरह होंगी सारी. क्यों यस दीपिका शिव इब्राहिम का फाइनली घर रेडी हो चुका है. अब सवाल ये है क्या दीपिका का न्यू किचन फिर से रेडी होने वाला है न्यू घर में. ये फैंस के मन में एक सवाल है. जिस तरह दीपिका और शिव इब्राहिम का एक बड़ा घर माशाल्लाह बन चुका है, तो क्या दीपिका फिर से अपने घर में एक न्यू किचन बनाने वाली हैं? आप सभी को मालूम होगा कि कुछ महीनों पहले दीपिका ने अपना एक न्यू किचन तैयार कराया है, जिस किचन में दीपिका ने काफी ऐसी फैसिलिटीज की है जिससे दीपिका को आसानी हो सके. काफी पैसा उस किचन में लगाया है दीपिका शिव इब्राहिम ने और माशाल्लाह वो किचन भी बहुत खूबसूरत है. या फिर दीपिका उसी किचन को यूज करने वाली हैं? आपके मन में भी अगर सवाल है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा. अब आपसे इजाजत चाहते हैं. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. तो हम याद रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.